मौलाना मारे तो मौलानी मार सकता। घर वापस जब आओगे शादी हो अब कुछ से तो शायद कभी मिले। सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। अगर दफनाए जाओगे बड़ी इज्जत से। हुक्मरानों का जाहो जलाल, हूटर बजाती प्रोटोकॉल की गाड़ियां, अजीम शान महल्लात, शाही दस्तरखान, तारीफें करते हुए खुशामदियों का टोला, लेकिन मरने के बाद कब्र पर मुकम्मल सुकूत, वीरानी और खामोशी। फनकारों और अदीबों की शोहरत और तमकनत, तालियों की गूंज, वाह वाह का शोर, तस्वीरें बनवाने और ऑटोग्राफ लेने वालों की कतारें, रोशनियां, रानाइयां और जिंदगी की चकाचौंध, लेकिन सांसें थमने के साथ ही हू का आलम, खौफनाक सन्नाटा और वहशतनाक तन्हाई। जिंदगी की इसी बेसबाती, इंसान की बेतौकीरी और अवाम की बेजमीरी को सामने लाने के लिए सरेआम की टीम ने हजारों मील का सफर करके तारीख़ पाकिस्तान के उन मशाहीर की कब्रों को तलाश किया जिनका जिक्र तो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी कब्रें कहाँ और किस हाल में हैं। लेकिन जहां जिंदा इंसानों को कोई ना पूछता हो, वहां किसे पड़ी है कि कई कई दिहाइयां पहले मर जाने वालों की कब्रें ढूंढता फिरे। लेकिन कौमों की जिंदगी के लिए अपने शानदार या शर्मनाक माजी को याद रखना जरूरी हुआ करता है। माजी की इन्हीं राहदारियों में सफर का आगाज सरेआम की टीम ने कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान से किया। 1978 में वफात पाने वाले उर्दू के अजीम शायर और मिजाह निगार इब्ने इंशा की बगैर कतबे वाली उजाड़ कब्र को तलाश करने में सरेआम की टीम को काफी मेहनत करना पड़ी। उफ शाम वो रुखसत का समा याद रहेगा, वो शहर वो बस्ती वो मकान याद रहेगा। हम भूल सके हैं ना तुझे भूल सकेंगे, तू याद रहेगा हमें, हाँ याद रहेगा। शोहरा आफाक किताबों चलते हो तो चीन को चलिए, उर्दू की आखिरी किताब और बेमिसाल नज्म इंशा जी उठो अब कूच करो के खालिक इब्ने इंशा की कब्र कहाँ है ये शायद ही कोई जानता हो, लेकिन इस नज्म को गाकर अमर करने वाले उस्ताद अमानत अली खान कहाँ मदफून है ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन सरेआम की टीम ने 1974 में खालिके हकीकी से जा मिलने वाले उस्ताद अमानत अली खान की कब्र लाहौर के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में ढूंढ निकाली। बुजुर्गो अमानत अली खान साहब की कब्र कहाँ है? अमानत अली खान साहब की कब्र। अपनी आवाज के साथ साथ अपनी नफासत और खुश पोशाकी की वजह से पहचाने जाने वाले उस्ताद अमानत अली खान की कब्र एक अजीब मंजर पेश कर रही थी। 1974 में इनका इंतकाल हुआ और अब तक कमोबेश 40 बरस होने को आए हैं, लेकिन आज भी अमानत अली खान की गज़लें, उनके गाए हुए गीत उसी तरह से मकबूल हैं। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में सरेआम की टीम शहनशाह ज़राफ़त दिलावर फिगार की कब्र पर भी गई। रेडियो ने 10 बजे शब के खबर दी ईद की, आलिमों ने रात भर इस न्यूज की तरदीद की, इख्तलाफ इस बात पर भी कौम में पाया गया
कि चांद खुद निकला था या जबरन निकलवाया गया। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी भी इसी कब्रिस्तान के एक इहाते में दफन हैं। वहां जाकर उनकी मशहूर जमाना कव्वाली याद आई और एक अजीब कैफियत तारी होती हुई महसूस हुई। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। चंद किलोमीटर के फासले पर ही कराची के शाह मोहम्मद कब्रिस्तान में शहंशाह गजल मेहदी हसन आसूदाए खाक हैं। चारों जानिब से बारिश के पानी में घिरी मेहदी हसन की कब्र पर जानवरों के पैरों के निशान और सूखे हुए फूल देखकर दिल बहुत अफसुरदा हुआ कि गजल गायकी के इस बेताज बादशाह को गुजरे अभी तो एक साल ही गुजरा है। कहते हैं कि बर्रे सगीर की मारूफ गुलूकारा लता मंगेशकर ने मेहदी हसन खान साहब के बारे में कहा था कि इस शख्स के गले में भगवान बोलता है, लेकिन आज ये अजीम शख्सियत इस कब्र में खामोश चुपचाप पड़ी अबदी नींद सो रही है। खुदा हमें मौत और मौत के बाद की जिंदगी की हकीकत की असल आशनाई अता करे। तो शायद कभी मेहदी हसन के गाए हुए गीत जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिसने लाजवाल शोहरत पाई ये बर्रे सगीर के अजीम शायर कतील शिफाई की तख्लीक था। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते और कतील शिफाई लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन के करीम ब्लॉक कब्रिस्तान में अबदी नींद सो रहे हैं। खुदरौ झाड़ियों में छुपी हुई उनकी कब्र भी वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। नामाबर अपना हवाओं को बनाने वाले अब ना आएंगे कभी लौट के जाने वाले, और मर गए हम तो ये कतबे पे लिखा जाएगा, सो गए आप जमाने को जगाने वाले। प्यार किया करते हैं जिंदगी में। रुश्वत खाते हैं? कोई है? खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। टैक्स खाते हैं? हाँ वो भी करोड़ हर रुपए के। हाँ हाँ वो भी खाते हैं और खा के मोटे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामे अलिफ नून के मरकजी किरदार खावर रफी उर्फ नन्हा भी क्रीम ब्लॉक के इसी शहर खमोशा के बासी हैं। गोरकन का कहना है कि कई कई साल गुजर जाते हैं लेकिन लोगों में मुस्कुराहटें बांटने वाले इस फनकार की कब्र पर कोई नहीं आता। कराची के मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में मोइन अख्तर की कब्र है। वो मोइन अख्तर जो दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके जनाजे में सैकड़ों लोगों को धाड़े मार मार कर ये कहते सुना गया कि अब हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आलम फानी से आलम बाकी की जानिब रवाना होने से चंद ही रोज पहले उनकी एक रिकॉर्डिंग मुलाहिजा कीजिए। अब तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि जिंदगी का ये सफर अब इख्तिताम पजीर होगा चाहता है। जिंदगी जैसी भी गुजारी हो कायनात में रजा, मगर दफनाए जाओगे बड़ी इज्जत से आज सबसे। दफनाया तो वाकई बहुत इज्जत के साथ गया मगर उसके बाद। लेकिन गोरकन कहता है कि उमर शरीफ कभी कभी मोइन अख्तर की कब्र पर आते हैं और देर तक गुमसुम बैठे रहते हैं। शुक्र है कि किसी को तो मौत
और मरने वाला याद है। नूरजहां से ज्यादा शोहरत और पजीराई किसे मिली होगी, मगर तमाम तर हुस्न, बनाओ सिंघार, दौलत, शोहरत और अजमत के बावजूद वही दो गज जमीन, वही कब्र का कतबा, वही तन्हाई और वही सन्नाटा, चाहे कराची के डिफेंस जैसे पोश इलाके का कब्रिस्तान ही क्यों ना हो। इंसान जिंदगी में जितनी भी मेहनत करे, जितनी जिद्दोजहद, जितनी काविशें संगे मरमर के घर बना ले, आलीशान अजीम महल्लात में रह ले, अंजामे कार इख्तितामे कार बिलाखिर यही दो गज की जमीन है। मलिक मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा। छह दिहाइयों से जायद फन के उफक पर छाई रहने वाली बेबी नूरजहां का मलिकाए तरन्नुम तक का सफर बेमिसाल और लाजवाल है, मगर उनकी मंजिल भी बस यही थी, रहे नाम अल्लाह का। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, को को रीना, को को रीना, को रीना, को रीना। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, को रीना, को रीना, को रीना, को रीना। लाहौर के अली जेब रोड कब्रिस्तान में माजी का अजीम शान हीरो वहीद मुराद मनो मट्टी तले अबदी नींद सो रहा है। दिलों पर राज करने वाले चॉकलेटी हीरो की कब्र पर अब खामोशी और वीराने का राज है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी। कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ने वाले, अपने वालिद की इकलौती औलाद और फिर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले वहीद मुराद के लिए आखिर ज़िंदगी ने वो क्या हालात पैदा कर दिए थे, अगर वाकई उन्होंने ख़ुदकुशी की कि उन्हें खुद अपनी जान लेना पड़ी। लेकिन इस वक्त उनकी कब्र पर हम मौजूद हैं, 30 बरस बाद भी लोग वहीद मुराद को उसी तरह से हीरो के तौर पर जानते हैं। लोग 30 मिनट बाद एक शख्स को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ आलम यह है कि 30 साल बाद भी उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत, उनका नाम, उनकी स्टारडम उसी तरह से कायम और दायम है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ सीरियाँ बकरों की, काले बकरों की, यहाँ शायद सदके के तौर पर या तावीज़ धागे के तौर पर फेंकी गई हैं और इनसे यहाँ शदीद ताफ़ुन उठ रहा है। लाहौर के गार्डन टाउन कब्रिस्तान में इकबाल बानो लौहे अजल पर लिखे हुए एक दिन को देखने की उम्मीद लिए खाक की चादर ओढ़े सो रही हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे, गाकर इसे पाकिस्तान की तारीख और सियासत का हिस्सा बना देने वाली इकबाल बानो की कब्र पर उनके नाम की तख्ती भी नहीं है, बल्कि उनका नाम उनके शौहर की निस्बत से तहरीर है। इकबाल बानो की जो वजह शनाख्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अहम कि लाजिम है कि हम ही देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अजल पर लिखा है, हम देखेंगे। और शायद उसी दिन को देखने के इंतज़ार में इकबाल बानो अपनी लहद में खाक की चादर ओढ़े सो रही हैं दश्ते तन्हाई। दश्ते तन्हाई जाने जहां दश्ते तन्हाई। हम देखेंगे दश्ते तन्हाई में और इस जैसी बेशुमार बेमिसाल नज़्मों और गजलों के शायर फैज़ अहमद फैज़ करीब ही मॉडल टाउन जी ब्लॉक कब्रिस्तान में अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल किए अब यहाँ कोई नहीं आएगा की तफसीर बने हुए हैं।
फैज के नाम के साथ अजीम शायर वगैरह लिखना बहुत छोटा लगता है। काश मुझे वो लफ्ज अता होते कि मैं बता सकता कि फैज अहमद फैज की कब्र पर जाकर मेरे एहसासात क्या थे। फैज से अकीदत की हद तक मोहब्बत की सरशारी में कैमरों की मौजूदगी के बावजूद मैं कितनी देर वहां गुमसुम खड़ा रहा। फैज की बारगाह में आकर एक अजीब सी कैफियत तारी है और इनका जितना कलाम मुझे याद था, बड़ा जोर डाल रहा हूँ जहन पर और बड़ी मुश्किल हो रही है याद करने में। हम जो तारीख राहों में मारे गए, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे मारे गए। हम जो तारीख राहों में मारे गए, दश्त तन्हाई में ऐ जाने जहाँ लर्जा है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा। दानिश्वर अदीब अफसाना निगार दास्तान गो लाहौर की दास्तान सराय के मकीन अशफाक अहमद अब इसी कब्रिस्तान की जमीन में खुदाए बुजुर्गो बरतर की अमानत हैं। मौत के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात जो अशफाक अहमद साहब ने लिखी और एक कुत्ते की मौत को बुनियाद बनाकर असल बात हमें समझाने की कोशिश की। लिखते हैं कि उस फकीर ने कहा कि अब ये इस सरहद से उस सरहद के पार चला गया है। इसकी मौत तब वाकई नहीं हुई थी जब ये जख्मी हुआ था। ये कुत्ता असल में उस वक्त मरा था जब ये जख्मी हुआ था और लोग इसके पास से गुजर कर सड़क क्रॉस कर रहे थे और कोई एक भी रुका नहीं था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ सितारों रानी, नैयर सुल्ताना, दर्पण और मूसा रजा उर्फ संतोष कुमार की कब्रें मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान लाहौर में साथ साथ ही वाके हैं। नैयर सुल्ताना इशरत अब्बास उर्फ दर्पण की बीवी थी और संतोष कुमार और दर्पण आपस में भाई। 50 और 60 की दिहाइयों में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले इन सितारों की कब्रें अब मांद पड़ चुकी हैं। अपने वक्त में इन फिल्मी सितारों ने कैसी चमक दमक देखी होगी। चाहने वाले जिनकी एक झलक देखने को बेताब रहते और सड़कों पर घंटों घंटों इंतजार करते थे, लेकिन आज ये कब्रें फातिहा के लिए आने वालों का कई कई साल इंतजार करती हैं। उर्दू अफसाने की दुनिया का ताजवर सादत हसन मंटू मियानी साहेब कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्दे खाक है। सादत हसन मंटू ने दो बड़े मशहूर जमाना कतबे अपनी वफात से पहले अपने लिए खुद तहरीर करके रख छोड़े थे। एक कतबा शायद नकले कुफर कुफर नबाशत के जद में आ जाएगा, लेकिन दूसरा कतबा जो कि तहरीर कर दिया गया है इस कतबे पर, वो ये है। सादत हसन मंटू की कब्र है जो अब भी समझता है कि उसका नाम लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं था। याद रखना हमारी तुर्बत को, कर्ज है तुम पे चार फूलों का। और अपने तईं इस बेमिसलो बेमिसाल शायर की सुखनवरी का कर्ज उतारने हम मियानी साहेब ही में दफन सागर सिद्दीकी की कब्र पर पहुंचे। मशहूर शायर सागर सिद्दीकी की कब्र पर जाने से पहले हमारी नजर उनकी कब्र से पहले कायम एक लंगर खाने पर पड़ी है, जिसे लंगर खाना सागर सिद्दीकी का नाम दिया गया है। और ये बड़ी खुशगवार हैरत की बात है, एक ऐसा गरीब मस्कीन और फकीर शायर जिसने अपनी सारी जिंदगी फुटपाथों पर गुजारी, मरने के बाद कम से कम इतनी इज्जत उसे दी जा रही है। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं।
ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। इससे पहले कि लाहौर में हबीब जालिब की बोसीदा कब्र पर आपको ले जाएं, हम आपको उस शख्स की कब्र पर ले जाते हैं जिसके खिलाफ जालिब बरसरे पैकार रहे। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में, जिसके अहाते में पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक मदफून हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अपने वक्त के मुतलकुल इनान आमिर की कब्र पर इस वक्त क्या मंजर है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। इस वक्त हम पाकिस्तान के मुतलकुल इनान हाकिम साबिक सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की कब्र पर मौजूद हैं, और जहन में वो तमाम तर सहूलियात आती हैं जो कि हुक्मरानों से मंसूब होती हैं, वो रौनक, वो प्रोटोकॉल, वो सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ, वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम, वो महल्लात, वो इख्तदार की गुलाम गर्दिशें, वो बैरूनी दौरे। लेकिन आज इस वक्त उनकी कब्र पर सिर्फ फूलों की कुछ सूखी हुई पत्तियाँ हैं, कुछ उखड़े हुए स्टिकर्स हैं और मुकम्मल वीरानी है। वक्त का मौर्रख ज़ियाउल हक के बारे में क्या लिखेगा और क्या लिख रहा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन जोहल की बात, जुल्म की रात, खुले झूठ, जहन की लूट, ऐसे दस्तूर और सुबह बेनूर को ना मानने वाले हबीब जालिब की कब्र ऐसे सलूक की मुस्तहिक हरगिज नहीं थी। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और दस्तूर ज़माना यही है, शायर अवाम कहलाए जाने वाले हबीब जालिब की कब्र का हाल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में वाक़े कब्रिस्तान की एक दुकर पर हबीब जालिब की ये कब्र गवाही दे रही है कि शायद अवाम में से जिसके शायर कहलाए गए हबीब जालिब, किसी को भी यहाँ आने की तौफीक नहीं है। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। मारूफ कव्वाल बद्र मियादाद और मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल भी लाहौर के सब्जाजार के इसी कब्रिस्तान में दफन है। लेकिन असल हैरत माजी की खुबरू और मशहूर अदाकारा चकोरी की कब्र को देखकर हुई। अपने रूज के वक्त में रंगों, खुशबुओं, फूलों और रोशनियों में नहाई हुई चकोरी की कब्र पर आज ना तो कोई कतबा है और ना ही कोई फूल। और इस वक्त हम जिस कब्र पर मौजूद हैं, ये अदाकारा, मरूफ अदाकारा चकोरी की कब्र है। एक तवील अरसे तक चकोरी की तरह सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली अदाकारा की कब्र पर कतबा भी मौजूद नहीं है और बड़ी मुश्किल से ज़ाहिर है इनकी कब्र मिल सकी है। यहाँ कोई नहीं आता, इस कब्र पे कोई भी नहीं आता। अब कितना अरसा हुआ होगा इस कब्र पे कोई आया है? अच्छा, इंतकाल भी ज़्यादा पुराना नहीं है चकोरी का, लेकिन उसके बाद किसी को याद नहीं। अपने मौत नु इशारा किया है। ओ तू की इजराइल मर जानिया, हथ चुक लिया ते तेरे रोने आप आसमान वल तुर जाना बदबख्ता। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के सबसे बड़े नाम सुल्तान राही को उनकी लाहौर में वाकई मशहूर कोठी के करीब ही एक दरगाह में दफनाया गया है।
लेकिन कहां सुल्तान राही जैसी जिंदगी का शोर शराबा और कहां बंद पड़ी हुई इस कब्र की वीरानी। अलहाज सुल्तान राही पाकिस्तान की फिल्मों की तारीख का बगैर किसी राय के सबसे बड़ा हीरो और मौलानू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। मौलानू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। सुल्तान राही साहब की कब्र बड़ी मुश्किल से हमने तलाश की है। यहाँ चंबा हाउस के करीब लाहौर में एक बुजुर्ग हैं हजरत शमसुद्दीन, उनके मज़ार के अहाते में दफन हैं जनाब सुल्तान राही। यहाँ आकर नाज़रीन एक और अलमिया भी हमारे मुल्क का और उसकी जानिब भी ज़ाहिर ख्याल जाता है, और वो ये कि जिस अंदाज़ में सुल्तान राही साहब जैसे बड़े हीरो को सरेआम सड़क किनारे कत्ल कर दिया गया और बाद में कहा गया कि जिस डकैती की वारदात थी और उसमें मुज़ाहमत पर सुल्तान राही साहब को गोली मार के कत्ल किया गया, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी उम्र खासी कम थी और ज़मीमे बाकायदा लाहौर में शाये किया गया सुल्तान राही साहब की मौत के लिए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चलाया जा सका कि पाकिस्तान में फिल्मों की तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत को कत्ल करने का जिम्मेदार आखिर कौन था। घर वापस जब आओगे कौन तुम्हें पहचानेगा, कौन कहेगा तुम बिन साजन ये नगरी मोमिनपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक जमा साल असद अमानत अली खान, जो उस्ताद अमानत अली खान के बेटे हैं, उनसे मुतल्लिक दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी वालिदा के साथ एक ही लहज में हैं। असद अमानत अली खान, घर वापस जब आओगे कौन तुम्हें पहचानेगा। उस्ताद अमानत अली खान के साहिबजादे और आजकल के बड़े मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली खान के भाई असद अमानत अली खान, ये उनकी कब्र है और अपने वालिद की कब्र से कुछ फासले पर है और साथ ही मदफून है इनकी वालिदा मोहतरमा अलमास बेगम। वापस जब आओगे एक जमा साल मौत असद अमानत अली खान को नसीब हुई और बिल्कुल सेहतमंद बिल्कुल तंदुरुस्त बरतानिया में मौजूद थे जब अचानक दिल का एक जानलेवा दौरा पड़ा और उसके बाद असद अमानत अली खान इस दुनिया से रुखसत। प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। शहनशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली को हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अहाते में दफन करने के लिए 2006 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी इजाजत नामा जारी किया गया था। नवीन ये मोहम्मद अली हैं जिनका ज़ाहिर कस्बे पर नाम सैयद मोहम्मद अली लिखा है। मोहम्मद अली मुल्क के मारूफ फनकार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम और उनके हवाले से एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट और हकीकत आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तब 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में यानी लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई और दुनिया भर से इस्लामी ममालिक के सरबराहान उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, तो उस वक्त में ज़ाहिर है लाहौर में होटल्स का इतना ज़्यादा रोल या किरदार या रिवाज नहीं हुआ करता था। सो जितने सरबराहान यहाँ आए उन तमाम लोगों को यहाँ के बड़े बड़े घरों में मेहमान के तौर पर ठहराया गया, तो खादिम हरमैन शरीफैन उस वक्त जब तशरीफ़ लाए तो उन्हें मोहम्मद अली और ज़ेबा के घर में ठहराया गया और यही वजह है कि मोहम्मद अली और ज़ेबा के एक तरह से ख़ानदानी मरासिम थे खादिम हरमैन शरीफैन से और उनके ख़ानदान से। सो जब मोहम्मद अली साहब की तदफीन यहाँ हुई तो उसके बाद एक बाकायदा इजाज़तनामा सऊदी हुकूमत की जानिब से यहाँ मौसूल हुआ कि इन्हें यहाँ चूँकि अमानतन दफनाया गया है तो यहाँ से इन्हें अगर चाहें इनके अहले खाना तो जन्नतुल बकी में भी मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अहले खाना ने उन्हें यहाँ रखा है और उनकी कब्र इस वक्त यहाँ मौजूद है हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में। चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर दिया इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। और अब लफ्जों की खुशबू की खालिक
परवीन शाकिर, जिनकी नज़में और गजलें अब भी महकती हैं, जिनके लफ्जों की सौंधी खुशबू अब भी दिल और दिमाग को मुअत्तर करती है। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में खाक की कबा पहने परवीन शाकिर इस खाक से अपनी निस्बत पर नाजा हैं। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। और बज़्मे अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। मर भी जाऊं तो कहां लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। वो कहीं मिल गया लौटा। इस प्रोग्राम में तीन मकामात पर मैंने खुद को अल्फाज के इंतखाब में बेबस महसूस किया है। फैज अहमद फैज की कब्र पर, परवीन शाकिर की कब्र पर, और अब अहमद फराज के पास आकर। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में अहमद फराज के लफ्जों की बुनत की तरह उनकी कब्र भी मुख्तलिफ अंदाज में तामीर की गई है। खूबसूरत कतबा सरहाने की बजाय पहलू में नस्ब किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब इनके मुशायरों में गूंजने वाली तालियां जहन में आती हैं, लोगों का इनसे एक मुलाकात के लिए बरसों इंतजार करना याद आता है, तो कब्र के इर्द गिर्द की खामोशी रूह को लर्जा देती है। खैर, फराज नहीं रहे, रहना किसी को भी नहीं, लेकिन उनका काम, उनके लफ्ज और उनके ख्वाब अमर हो गए हैं। अहमद फराज की एक शोरा आफाक नज़म से एक इक्तबास लिखते हैं कि मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है, मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हर पल हिसाब रखता है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का जबान तीर की है, मैं कट मरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। सरेआम की टीम ने दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल अरफा करीम और दुनिया के लंबे तरीन शख्स आलम चन्ना की कब्र की रिकॉर्डिंग भी की, लेकिन कब्र तो कब्र है। और आखिर में दुनियाए मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कब्र। यह एजाज फैसलाबाद की मट्टी को हासिल है कि बर्रे सगीर पाक व हिंद का ये अजीम सरमाया इस मट्टी में महवे ख्वाब है।